हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस कचौरी, जो हमें ताई जी बना के सिखाएगी। राम राम जी। तो ताई जी, हमने कचौरी के लिए क्या क्या लिया है? आधा किलो मैदा, एक चम्मच नमक, एक कटोरी दही, मोड़ के लिए तेल आधा कटोरी, इसको ओसन लो, ज्यादा नरम भी नहीं ओसनना है, ज्यादा कड़ा भी नहीं है, ठीक साइज का ओसनना है। आटा में मीडियम साइज का लगाना है, ना ज्यादा टाइट हो ज्यादा नरम हो। कचौरी का आटा तैयार कर रहे हैं हम लोग। दस मिनट के लिए भिजोना है मैदा को, कचौरी का आटा। आटा को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ढक के। कचौरी को भरने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए ताई जी? 250 ग्राम दाल, मूंग की 2 घंटा भिजल लीजिए, 1 कटोरी बेसन की, मिर्ची 1 चम्मच, 1 चम्मच सूप, 1 चम्मच धनिया, 1 गोटा धनिया, 1 चम्मच आधी चम्मच गुड़ की, 3 चुटकी भर सोडा चुटकी भर, नमक 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अमचूर। दाल को सारो पानी निखार लियो, अब सूखा कपड़ा से इसको पूछना है, दाल को पानी सुखाना है पूरा। कटोरी, ये कढ़ाई ली है जिसको हमने गरम किया है, इसमें हमने 1 कटोरी रिफाइंड तेल, हींग गेर रहे हैं, धनिया गेर रहे हैं, गोटा सूख गे रहे हैं, गुड़ भी गे रहे हैं। अब इसमें बेसन डाल देते हैं, इसको सेक लेंगे बेसन को। कम आंच में सेकना है बेसन को। लो फ्लेम में हम इसे ब्राउन होने तक सेक लेंगे, चलाते हुए सेकना है इसको। इसमें हल्दी डाल देंगे, मिर्चा डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे, अमचूर डाल देंगे, सोडा डाल देंगे। अब इसको हम लोग सेक लेंगे कम आंच में। कचौरी का मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका। ये कचौरी का हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, हम लोग कचौरी कढ़ी बनाने का तैयारी कर लेते हैं। ताई जी, कढ़ी के लिए हमने क्या क्या लिए है? बेसन लिए हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, राई, गोटा मिर्ची लाल, नमक, मेथी, हींग, मीठा नीम पत्ती, बेसन, छाछ। पूरा राजस्थानी स्टाइल कढ़ी बनेगा। बेसन की डाल देते हैं इसमें, मिर्ची डाल देते हैं,
हल्दी डाल देते हैं, कमल डाल देते हैं, इसको हिला देते हैं हाथ से, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हमें। छाछ में बेसन और सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। मिर्ची और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। गाइस इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर ले रहे हैं, देखिए इसमें गाठी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। आप हाथ से कीजिए, घोटने से कीजिए, किसी भी चीज से कर सकते हैं। मेथी डाल देंगे, तेल गरम करके मेथी डाल देंगे, राई डाल देंगे, गोटा मिर्ची डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे, हींग डाल देंगे, अब घोल बनाया हुआ डाल देंगे इसमें बेसन का, इसमें पानी डाल देंगे, पतला होना चाहिए कचौरी की छत, काठा नहीं होना चाहिए। जब तक खड्डी बन रहे हैं ना, जब तक हम कचौरी की तैयारी कर रहे हैं, इसका लड्डू बना लीजिए, कचौरी का मसाला का। कचौरी की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं हम लोग। कचौरी का आटा तैयार हो गया, अब हम कचौरी भर रहे हैं, उसका लोया बना के कचौरी भर रहे हैं। इसका लोया तोड़ लेते हैं हम, इसमें मसाला भर लेंगे। इसको लोई बना लो, ऐसे लोई बना के इसके हाथ से ऐसे कर दो इसको। कचौरी भरना सिखा रहे, देखिए कैसे भरना है। और ऐसे इसको मसाला भर लीजिए, मसाला भर के इसको गोल कर लीजिए, फिर इसको करके दबा दीजिए, इसको इसे दबा के हथेली से। ये देखिए हमारी कचौरी ऐसी भरेगी, ऐसे लोई बना के इसको मसाला डाल के इस लोई के। फिर इसको दबा दीजिए, ये देखिए हमारी कढ़ी में भी उफान आना शुरू हो गया है। इसको हम लोग कढ़ी को 10-15 मिनट के लिए बोलने देंगे कम आंच पे। कढ़ी में जितना उफान आता उतना कढ़ी अच्छा बनता है। थोड़ी सी गरम हुई और तेल हो जाएगी, ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, उसमें कचौरी डाल दी है। कचौरी को तल रहे हैं ताई जी, फ्राई करना कम आंच में, हल्का गरम तेल में हमें फ्राई करना है, इसको मंदरी मंदरी आंच में सेकना है, कम आंच में सेकना है, लो फ्लेम में। इसका कचौरी को उखल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, एक तरफ सीख गए हैं कचौरी, इसको पलट देते हैं। कचौरी सीख गई है, इसको निकाल लेंगे।
हड्डी रेडी हो चुकी है, कचौरी हो गई है। हमारी कचौरी हड्डी चौकी लागे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और क्रंची बनी है हमारी कचौरी। ये राजस्थान की ट्रेडिशनल खाना है, फेमस है, आप भी राजस्थान जाओ तो ज़रूर खा के ट्राई करना और हमें बताना कि आपको कैसी लगी कढ़ी कचौरी।